खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है, बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। आज सुबह 10:30 बजे नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जरा सुनिए गोलियों की आवाज को। तो ये गोलाबारी की आवाज आप सुन रहे हैं। दरअसल ये फायरिंग तब हुई जब एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा उस इलाके में ही मौजूद थे। पाकिस्तान ने नौशेरा में जमकर फायरिंग की है। एबीपी न्यूज की टीम, हमारे संवाददाता मनोज वर्मा और उनके साथ कैमरामैन मनोज, दोनों वहीं मौजूद थे। खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने कैमरामैन के साथ पाकिस्तान के इस आतंक को कैमरे में रिकॉर्ड किया है एबीपी न्यूज की टीम ने। तो संवाददाता मनोज वर्मा, उनके साथ कैमरामैन मनोज, खुद को सुरक्षित रखते हुए आपके लिए ये तस्वीरें कैमरे में कैद की ताकि आप देख पाए, समझ पाए पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को, किस तरीके से ये नापाक बाज नहीं आ रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर आप ये भी समझेंगे कि कितना दुश्वार है इन इलाकों में रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हुए थे मनोज वर्मा जिस वक्त नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दी गई ये गोलाबारी। जी आप स्कूल में पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, हाँ टीचर हूँ मैं यहाँ पे, पिछले 3-4 साल से यहाँ पे हूँ। तो काफ़ी बुरी हालत है यहाँ पे, जिस दिन से करीब 2016 से लगातार फायरिंग हो रही है यहाँ पे, आज भी देखो आप क्या हालात हैं। हमने तो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करते हैं, स्कूल खोल के रखते हैं, लेकिन डिस्टर्ब रहता है ये स्कूल। फायरिंग यहाँ पे, बंकर भी नहीं है अभी यहाँ पे, कोई ऐसी है नहीं बंकर, अभी आए हैं अभी बने नहीं है बिल्कुल भी। तो आप देख रहे हैं खुद ही कितनी ज़बरदस्त फायरिंग हो रही है यहाँ पे। हम अपनी तरफ से 100% देते हैं, अपना कोशिश करते हैं, लेकिन फायरिंग के कारण काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया है ये। तो आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी देर से मैं भी सुन रहा हूँ और पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं ये आवाज़ें सुन रहा हूँ फायरिंग की, लेकिन नॉर्मल खड़े हुए हैं सब यहाँ पर, तो डर नहीं है सर? डर तो बहुत है, लेकिन क्या करेंगे, हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, हम पिछले 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम। फायर की वजह से हम डरते तो हैं, लेकिन अब हमारे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, बच्चे यहाँ, जैसे स्कूल आप देख रहे हो यहाँ भी अभी स्कूल में है, तो हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो बाकी गांव में भी आप देख ही रहे हो, गांव के लोग भी बेचारे डिस्टर्ब तो बहुत है, लेकिन अभी तक कोई बैंकर की फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने बैंकर दिए हैं लेकिन अब बना नहीं पा रहे हैं, कोई एक तो मौसम नहीं साथ दे रहा है, कि ये फायरिंग की वजह से कोई भी आदमी लेबर नहीं लगा के खुश है, क्योंकि लेबर लगाते हैं तो लेबर को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, इस चक्कर में अभी बैंकर भी नहीं बने। तो अब आप देख ही रहे हो हमारी हालत, तो हम तो गवर्नमेंट से भी ये अपील करेंगे कि हमारे लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, जिससे कि हम आगे पीछे शिफ्ट करें, नहीं तो अगर यही हालत रही तो हमें शिफ्ट ही करना पड़ेगा। सर ऐसा भी होता है कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है कई बार इस फायरिंग के और उसके चलते? देखो जैसे अगर ज़्यादा हैवी शेलिंग जैसे हो रही है, ऐसे होती है तो कई बार करनी पड़ती है, मजबूरन हमें स्कूल बंद करना पड़ता है। जैसे पिछले कल की बात है, कल भी बहुत फायरिंग हुई थी, तो कल भी हमें हाफ डे तक यहाँ स्कूल में बच्चों का पेपर था, पहले पेपर लिया, पेपर लेने के बाद फिर हमें। आवाज़ें साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं, इस वक्त मैं नौशेरा के कलाल गाँव के अंदर मौजूद हूँ और हैवी फायरिंग हो रही है। मेरे कैमरामैन इस वक्त मुझसे तकरीबन 100 मीटर दूर पेड़ के पीछे खड़े हुए हैं, मनोज कुमार, जो कि पेड़ की आड़ लिए हुए खड़े हैं ताकि जो फायरिंग हो रही है वो उन तक ना पहुंचे, और मैं भी जो सामने स्कूल की दीवार है इससे बचकर खड़ा हुआ हूं कि यहां तक ना पहुंचे। हम सभी साइड में खड़े हुए हैं, लगातार काफ़ी देर हो गई है, बहुत देर से शेलिंग की जो आवाज़ें हैं वो आ रही हैं और डर का एक माहौल यहां स्कूल में बना हुआ है। आज एग्ज़ाम था, लेकिन अभी हम सब इस वक्त डर के साथ जीने को मजबूर हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहां पर बंकर नहीं है कोई भी। सर कितना डर है इस वक्त, लगातार शेलिंग की आवाज़ें आ रही हैं? सर डर तो बहुत है, आप समझ रहे हैं कि बहुत हैवी शेलिंग चल रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल का जो बैंकर है वो जल्दी से जल्दी तैयार कर दें ताकि बच्चे जो हैं इस हैवी शेलिंग में हम उनको बैंकर के बीच में शिफ्ट कर सकें। तो अभी तक बैंकर का काम शुरू नहीं हुआ है, अगर वो हो जाए तो चलो थोड़ा सा बच्चों को सेफ्टी हो जाती है। इस समय भी कलाल के बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं शेरी एग्ज़ाम देने के लिए, वो तो सेंटर शिफ्ट कर दिया इन्होंने, लेकिन अब वापस कैसे आएंगे जी, अब राम भरोसे। पा रहे होंगे आप लगातार?